नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम का शानदार खेल इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में लगातार जारी है। शनिवार को खेले गए 34वें मुकाबले में टीम ने ओपनर शिखर धवन के धमाकेदार शतक के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। इस मैच के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 रन बनाए और उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली। शनिवार को खेले गए दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली की टीम ने चेन्नई को मात देकर अंक तालिका में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया। इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 179 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली ने 5 विकेट खोकर 19.5 ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल किया। बताते इस सीजन में दिल्ली ने काफी अच्छा खेल दिखाया है और टॉप 3 में जगह बनाई है। बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में शनिवार को हुए डबल हेडर के बाद पॉइंट टेबल में फिर से बड़ा बदलाव हो गया है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सीएसके को 5 विकेट से मात दी। टूर्नामेंट में ये दिल्ली की 7वीं जीत थी और अब टीम 14 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर पहुंच गई है। इस जीत को दर्ज करने के साथ मुंबई इंडियंस को हटाकर दिल्ली एक बार फिर से टॉप पर पहुंच गई है। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम का प्लेऑफ में जाना लगभग तय हो गया है। बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला गया आईपीएल 2020 का 34वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। इस मैच के दौरान धवन ने गजब की पारी खेलते हुए न सिर्फ अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया बल्कि आईपीएल में चौका लगाने के मामले में एक बेहद खास उपलब्धि भी हासिल कर ली। हालांकि इस लीग में वो चौका लगाने के मामले में टॉप पर पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन वो अब आईपीएल में 550 चौके पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। शिखर धवन ने सीएसके के खिलाफ जो नाबाद 101 रन की पारी खेली उसमें उन्होंने 14 चौके लगाए और एक छक्का भी जड़ा। इन चौकों की मदद से उन्होंने आईपीएल में इसकी संख्या 563 तक पहुँचा दी है। शिखर धवन इस लीग में चौका किंग हैं और सबसे ज्यादा चौका लगाने के मामले में भी काफी समय से पहले स्थान पर मौजूद हैं। इस लीग में सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में दूसरे नंबर पे आरसीबी के कप्तान विराट कोहली हैं, जिन्होंने कुल 498 चौके जड़े हैं, तो वहीं सुरेश रैना 493 चौके के साथ तीसरे नंबर पे मौजूद हैं। बता दें, शिखर धवन गजब की फॉर्म में चल रहे हैं और उनकी पिछली 3 पारियों की बात करें तो दोनों में उन्होंने अर्धशतक जबकि सीएसके के खिलाफ उन्होंने शतक लगाने में सफलता हासिल की। पिछली 3 पारियों में धवन ने नाबाद 51 रन, सीएसके के खिलाफ 57 रन, राजस्थान रॉयल के खिलाफ, जबकि एक बार फिर से सीएसके के खिलाफ ही नाबाद 101 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की। इस मैच में सीएसके ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 179 रन बनाए और इसके जवाब में दिल्ली ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।